टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो गुरु एकेडमी। माय सेल्फ निधि सिंह, वी आर डिस्कस अबाउट आइसो बाइलेटरल लीफ। आइसो बाइलेटरल लीफ, आइसो बाइलेटरल लीफ फीनोटिपिकली लंबी पतली फीते के नुमा दिखाई देती हैं। इन पर सनलाइट ऊपर और नीचे दोनों ओर पड़ती है। दोनों ओर सनलाइट से बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, जिससे पेड़ पौधे सूख ना जाएं, इसलिए इनमें स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं। और रंध्र भी, स्टोमेटा भी दोनों ओर प्रेजेंट होंगे। दोनों ओर प्रेजेंट होने से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इसलिए इनमें एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। अपर एपिडर्मिस में बुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो वी आर डिस्कस अबाउट आइसो बाइलेटरल लीफ एनाटॉमी। वर्टिकल सेक्शन ऑफ आइसो बाइलेटरल लीफ, आइसो बाइलेटरल लीफ में बोथ साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए इनमें बुली फॉर्म सेल पाई जाती है। एंड बोथ साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल लेयर्ड होती है। देन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। और रंध्र पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, या उभयरंध्री पत्ती भी कहते हैं। उभयरंध्री मतलब दोनों ओर रंध्र प्रेजेंट होंगे, और ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी बहुत ज्यादा वाष्पित ना हो पाए, इसलिए इसमें बुलीफॉर्म सेल अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है। ये बीच का जो क्षेत्र है, एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज मीजोफिल। इसे हिंदी में कहते हैं पर्ण मध्योतक। तो आइसोबाइलेटरल लीफ में पर्ण मध्योतक सिंपल सा होता है। इसमें पहली सेट टिशू नहीं पाए जाते हैं, केवल स्पॉन्जी टिशू ही प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी टिशू प्रेजेंट होने से एयर स्पेस बन जाता है, जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है एंड गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्लोज
क्लोरोप्लास्ट इन सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो रिच मात्रा में है बहुत, फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड हेडिंग है वैस्कुलर बंडल। आइसोबाइलेटरल लीफ में वैस्कुलर बंडल वेन्स पर बड़े होते हैं और इन पर बंडल सीथ प्रेजेंट होता है। बंडल सीथ स्टार्च सेल्स का बना होता है। इनके भीतर जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। मध्य का भाग मेसोफिल जो केवल पैलिसेट टिशू का और स्पॉन्जी पैलिसेट टिशू का बना होता है, जिसमें एयर स्पेस होते हैं। दिस इज एयर स्पेस। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। देन थर्ड हेडिंग है वैस्कुलर बंडल जो वेन्स पे बड़े होते हैं और नीचे आते हुए छोटे होते चले जाते हैं। वैस्कुलर बंडल के ऊपर स्टार्च की एक सीथ बंडल सीथ लेयर पाई जाती है, जिसमें जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर सप्लाई इन लीफ एंड फ्लोएम का मेन फंक्शन है जो मेसोफिल सेल्स फूड फॉर्मेशन करेंगी उन्हें पूरे प्लांट्स तक पहुंचाना।